हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन मनी स्टडीज़ में फवाइदर। आज की इस वीडियो में हम मोशन की जो पहली इक्वेशन है वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने से पहले सबसे पहले हमें इसका ग्राफ समझना पड़ेगा। तो ये है फ्रेंड्स इसका ग्राफ। इसमें कोई भी एक बॉडी थी, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी ये, जिसे हमने डी पॉइंट से डिनोट कर रखा है। यहाँ से उस बॉडी ने एक्सेलरेट करना शुरू किया ई पॉइंट तक, ये होगा इसकी फाइनल वेलोसिटी। और नीचे जो होती है वो होती है एक्स एक्सिस पर टाइम। तो ये थी उसकी फाइनल वेलोसिटी, ये पूरी हमने फाइनल वेलोसिटी ले ली। तो ये यू था, तो ये भी यू हो गया, रेक्टेंगल है ये एक। तो अगर हम वी में से यू माइनस कर दें तो ये आ जाएगी, ई सी जो है वो आ जाएगी। तो हमने ई सी पे वी माइनस यू कर दिया है। तब इसका ग्राफ ध्यान में रख के ही हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। तो ग्राफ में साइड में यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिखता भी रहेगा आपको। सबसे पहले हमें लिखना होगा ई सी ई बी इज इक्वल्स टू सी बी प्लस ई सी। ई बी ये जो है ई बी है इज इक्वल्स टू सी बी सी प्लस ई सी। तो अब उसके बाद ये ई बी, ये ई बी जो है ये है वी, तो हम लिख लेंगे वी। वी इज इक्वल्स टू ये देखिए आप सी बी, सी बी जो है वो है यू, तो यू प्लस ई सी। ई सी जो है वी माइनस यू है, तो हम इसे अभी वी माइनस यू ऐसे ही लिख देंगे। तो अब आप देखो, आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, ठीक है। तो यहाँ पर वी माइनस यू है, वी माइनस यू है, इसे हम ए टी से भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो जो हमारी इक्वेशन थी वो यहाँ पर प्रूफ हो गई है। बस हमें इसमें एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो लगाना पड़ा है, और इसमें इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है, और फिर ये ए टी हो गया, और यहाँ पर बचा वी माइनस यू। और कुछ नहीं करा, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स ये। बस हमने वी माइनस यू जो है उसकी जगह ए टी लिख दिया, और ये हमने ग्राफ जो है, बस ग्राफ आपको मेन है, ग्राफ आपको याद करना पड़ेगा कैसे बनाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में ज़रूर आती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नीचे हेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।